गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पहाड़ी इलेक्ट्रिसियन। दिस इज जय रजत चौहान। दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लाए, जो आप चाहे वो आपको मिले और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर, आज हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है डीसी जनरेटर? तो सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर के बारे में। दोस्तों, जनरेटर का क्या मतलब होता है? जनरेटर का मतलब होता है उत्पादन, क्योंकि जनरेटर से बना है जनरेशन। ये तो बहुत बहुत अच्छे से समझो आ गई होगी आपको कि डीसी जनरेशन मतलब डायरेक्ट करंट का उत्पादन करना, एक काम होता है डीसी जनरेटर का। मतलब जो करंट एक सीध में जाता है उसका उत्पादन करना, डायरेक्ट करंट का उत्पादन करना, मीनिंग डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डीसी जनरेटर क्या है? डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलती है, या दी गई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, और मैकेनिकल एनर्जी आर्मेचर को घुमाती है, फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम एसी कहते हैं। तो आइए इससे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये है आपकी डेफिनेशन। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, या मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के आर्मेचर को घुमाती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी में पैदा करती है। और ये काम होता है इसका। और जनरेटर में तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जिससे ही हम जनरेटर में करंट पैदा कर सकते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? कंडक्टर, कंडक्टर आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं उसमें? जैसे कॉपर कंडक्टर हो गए, एल्यूमिनियम कंडक्टर हो गए, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी। और मेन कंपोनेंट फील्ड बहुत जरूरी। ये तीन कंपोनेंट बहुत ही जरूरी हैं जनरेटर में, तब जाके जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। कनेक्टर भी जरूरी है, किस टाइप का कनेक्टर यूज करें। मैकेनिकल एनर्जी तब पैदा होती है, प्राइम मूवर से आप पैदा करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, फिर तब वो कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर आपका एसी उत्पन्न होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो जरूरी है, जहाँ मैग्नेट मैग्नेट है वहीं आपका करंट है। तो सबसे पहले कनेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं और कहाँ पे किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए कनेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस टाइप का कनेक्टर जनरेटर में यूज़ किया जाता है। तो जनरेटर में यार आपको तो पता तो है, एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर का ही यूज़ किया जाता है, और मैक्सिमम यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है और ये महंगा है, और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ही यूज़ किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर भी पाया जाता है, पर एल्यूमिनियम आता है जो फोर्थ स्टेज में, और एक कॉपर से सस्ता है। तो क्यों इतनी महंगी चीज़ यूज़ करनी? एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, ये लचीला भी है और सस्ता भी है, तो एल्यूमिनियम ही यूज़ किया जाता है। और फिर आपने देखा होगा यार, कभी कभार आपने प्रैक्टिकल किया होगा आईटीआई में या इंस्टीट्यूट में, तो देखो किसी मोटर को ओपन किया होगा, तो उसमें देखा होगा आपने कि बाइंडिंग देखी होगी आपने कि ये तो कॉपर की बाइंडिंग है, पर वो कॉपर की नहीं होती, वो एल्यूमिनियम की बाइंडिंग होती है, उसके ऊपर इनेबल पेंट चढ़ाया जाता है, उस पेंट को कहते हैं हम इनेबल इनेबल पेंट। आप ऐसा करना, ब्लेड से उस पेंट को क्रैश करना या रफ करना, तो देखना आपको अंदर एल्यूमिनियम की वायर मिलेगी। तो मैक्सिमम यार एल्यूमिनियम ही यूज़ किया जाता है, कॉपर बहुत बाइंडिंग होगी मोटर की बाइंडिंग या ट्रांसफार्मर बाइंडिंग, उसमें एल्यूमिनियम ही यूज़ किया जाता है। तो और ये आर्मेचर के स्लॉट में डाला जाता है, और इंसुलेटेड होता है, याद रखना इंसुलेटेड होता है, कॉपर वायर इंसुलेटेड होती है।
और आर्मेचर के स्लॉटों में डाली जाती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, ऐसा सा काम होता है जनरेटर का। तो ये नेक्स्ट पार्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको तो पता है यार मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण। तो ये दो ही मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़, इससे ही मैग्नेटिक क्षेत्र पैदा किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और परमानेंट मैग्नेट की एनर्जी को कंट्रोल कर नहीं सकते। परमानेंट मैग्नेट आपका वहाँ पे यूज होता है, जैसे आपके हेयर ड्रायर हो गए, टॉयज़ वगैरह हो गए, छोटे छोटे खिलौने हो गए, उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े बड़े मोटरें हो गई, जनरेटर हो गए, और जैसे ग्राइंडर हो गए, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आपकी वो आर्मेचर रोटेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही जरूरी है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी, तो ये है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यार प्राइम मूवर से ही मैकेनिकल एनर्जी पैदा की जाती है, प्राइम मूवर से ही, प्राइम मूवर से ही से मैकेनिकल एनर्जी पैदा की जाती है, जनरेटर के साथ पे दी जाती है मैकेनिकल एनर्जी। और आगे आर्मेचर लगा होता है, वो रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो उसको कट करती है, फ्लक्स पैदा होता है, मतलब फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और ईएमएफ में कुछ चेंज आता है तब जाके आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो ये थे तीन पार्ट थे, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल एनर्जी। आइए अब हम जनरेटर के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों आइए डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि ये कोई जादू तो है नहीं कि इसके तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करेगा, इसके पीछे भी कोई रीज़न है, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे लिख लो भाई, कॉपी पे, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। जब किसी कॉइल को वर्टिकली नॉर्थ और साउथ पोल में रखा जाए तब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है, और ये वर्टिकली ही रखना पड़ती है। वर्टिकली क्यों रखना पड़ती है, आप खुद पता है यार, या ये खुद देखो, देखो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इस सारी मतलब मैग्नेटिक मैग्नेट को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल रखी देख लो, ऐसे रख ली हॉरिजॉन्टल आपने कॉइल बीच में, और ये नॉर्थ पोल है साउथ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये खुद देखो यार। तो ये तो सिर्फ एक दो लाइनों को क्रॉस कर रहा है, बाकी लाइनें ऊपर से जा रही है, बेस्ट हो रही है, तो इससे इसका भी कोई फायदा नहीं है, और जो मैग्नेट रखे हैं इनका भी कोई फायदा नहीं है। तभी आपकी कॉइल वर्टिकल रखी जाती थी, जो भी मैग्नेटिक यहाँ से मैग्नेट आए उसको सारे अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, तो ये फायदा होता है वर्टिकल रखने का, और ये आ जाता है, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है, ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होती है जब ये इन मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, फिर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, तो उसमें कुछ चेंज आता है, तब जाके ईएमएफ पैदा होती है, फिर इस ईएमएफ के कारण एसी या डीसी उत्पन्न होता है।
ये डिपेंड करता है आगे जो कॉइल लगी है। पर यहाँ पे आपने स्लिप रिंग लगाया है, तो स्लिप रिंग काम क्या होता है, सारे करंट को स्टोर कर लेता है और एसी लेता है। और तब हम इस जनरेटर को कहते हैं अल्टरनेटर, अल्टरनेटर टाइप का जनरेटर होता है ये, जब इसमें स्लिप रिंग लगी होती है। याद रखना, तब जब इसमें स्लिप रिंग लगी होती है, स्लिप रिंग लगी हो, तब इस जनरेटर को कहते हैं हम अल्टरनेटर, और जो एसी उत्पन्न करता है। और जिस जनरेटर में आगे कॉमुटेटर लगा होता है, मान लो यहाँ पे कॉमुटेटर लगा है, कॉमुटेटर ऐसे होता है, ये कॉमुटेटर या स्प्लिट रिंग या स्लिप या स्प्लिटर या स्प्लिट रिंग मान लो ऐसे लगा है, उसके हम उसे हम कॉमुटेटर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ तो एसी बन रहा है अंदर, तो ये आगे डीसी में आता है। कंप्यूटर का काम होता है डीसी बनाना, तो ये बन जाता है डीसी जनरेटर, तब बन जाता है ये डीसी जनरेटर यानी डायनमो, डायनमो। स्लिप रिंग लगी तो एसी बन गया, और डायनमो और कम्यूटेटर लगाया तो डीसी जनरेटर बन गया। तो ये तो आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जहाँ पर स्लिपिंग लगी है तो वो एसी को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, मतलब अगर कंप्यूटर लगा हो तो उसका काम होता है एसी को डीसी में बदलना। तो इतना था, तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था। कैसी लगी वीडियो, इतनी खास नहीं बनी वीडियो यार, बता देना मेरे को आप कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना। थैंक यू।